नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तानी स्टूडियो ट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसे जो है आप क्रॉस टावर एप्लीकेशन से विड्रॉ करोगे। जो आपको 5000 रुपये का फ्री में आपको क्रेडिट मिला है उसको यूज करके आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है या फिर आपने रेफर से जो प्रॉफिट कमाया है उसको आप कैसे विड्रॉ कर सकते हो। दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा हिंदी भाषा में, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। आपको बिल्कुल भी वीडियो कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्रॉस टावर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो मेरे पास जो इस टाइम पे 5256 रुपीज़ है। तो 5000 तो कंपनी वालों का हो गया और 256 जो है वो मेरा प्रॉफिट है। इसमें मेरा कुछ रेफर का है और कुछ जो है मैंने ट्रेडिंग से कमाया है। तो मुझे जो है आपको 256 रुपये जो है विड्रॉ करके दिखाना है। तो दोस्तों जैसे कि हमने दो वीडियो डाला था क्रॉस टावर के बारे में, सबसे पहले हमने बताया था आपको कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपको KYC करना है और कैसे आपको बैंक ऐड करना है। उसके बाद आपको फिर कैसे जो है 5000 रुपये का जो क्रेडिट है वो आपको क्लेम करना है। और फिर दूसरी वीडियो में हमने आपको बताया कैसे जो है आपको 5000 रुपये को यूज करके आपको ट्रेडिंग करना है। यदि वो वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। और दोस्तों आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आप सभी लोगों की डिमांड पर बना रहा हूँ। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर विड्रॉ नहीं हो रहा है, क्या फ़ायदा है एप्लीकेशन का, फेक एप्लीकेशन है। और दोस्तों दो तीन दिन से जो है प्रॉब्लम चल रहा था, एप्लीकेशन भी सही से ओपन नहीं हो रहा था और जो इनका वेबसाइट था crosstower.in वो भी जो है ओपन नहीं हो रहा था। तो लोगों को लग रहा था कि एप्लीकेशन फ्रॉड है, सर कैसा एप्लीकेशन आप हमको बता रहे हो। तो दोस्तों देखो कैसा होता है, जब भी कोई नया कंपनी अपना एप्लीकेशन लॉन्च करता है तो उसको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, सर्वर की साइड से प्रॉब्लम आता है, कभी साइट बंद हो जाता है, तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि आपको पता हो कोई भी जो एप्लीकेशन है वो ऐसा नहीं कि बहुत ही कम समय में वो ग्रो हो गए। जैसे कोइन DCX की बात करें, वजीरेक्स की बात करें, वजीरेक्स को पहले कोई भी नहीं जानता था, है ना। तो टाइम लगता है स्टेबल होने में एप्लीकेशन को। तो दोस्तों वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो यदि किसी भी एप्लीकेशन में ऐसा आता है तो आप ये मत समझिएगा कि वो फ्रॉड है। हो सकता है कि कुछ टेक्निकल एरर चल रहा हो पीछे, आपको नहीं पता है, बैकएंड में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं यदि आपको अपना प्रॉफिट जो है विड्रॉ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अकाउंट में जो है एक सिक्योरिटी होता है 2FA का, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इधर क्लिक करना है। इधर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सबसे नीचे आपको दिखेगा एक ऑप्शन सिक्योरिटी 2FA, इधर आपको क्लिक कर लेना है। इधर जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आप यहाँ पर पढ़ सकते हो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA add an extra layer of security to your account requiring more than just a password to withdraw your fund। तो यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए जो लगाया जाता है, और यदि आपको पूरा पढ़ना है तो आप पूरा पढ़ सकते हो what is 2FA, यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हो क्लिक करके। तो आपको जो है दोस्तों क्लिक करना पड़ेगा add 2FA पर, लेकिन अभी आपको क्लिक नहीं करना है बिल्कुल भी। उससे पहले आपके पास एक दूसरा मोबाइल होना चाहिए जिसमें नेट भी चालू होना चाहिए, क्योंकि आपको जो है एक दूसरा मोबाइल लगेगा ही लगेगा। यदि आपके पास दूसरा मोबाइल नहीं है तो आपका जो है ये ऐड नहीं हो पाएगा। तो या तो आप कोशिश करें कि आपका फ्रेंड हो, आपका कोई सगा संबंधी हो, उससे आप ये काम करा ले। कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है दूसरे मोबाइल से। दूसरे मोबाइल में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि दूसरे मोबाइल से जो है मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा। तो मैं इसी मोबाइल में आपको बता देता हूँ उसमें आपको क्या करना है। तो उसमें आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, गूगल ऑथेंटिकेटर, जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो। आपको सिंपली टाइप करना है इधर गूगल ऑथेंटिकेटर। ये देखिए जैसे ही मैं गूगल ऑथेंटिकेटर इधर सर्च करूँगा तो मुझको जो है ये एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। ये एप्लीकेशन आपको दूसरे मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने जो ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको उसमें क्या काम करना है। ओपन कर देता हूँ इस एप्लीकेशन को, और यहाँ पर सिंपली आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इधर आपको स्कैन ए QR कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी नहीं करना है, लेकिन जब भी मैं आपको बोलूँगा तभी आपको दूसरे मोबाइल से क्लिक करना है। तो चलिए अभी मैं अपने क्रॉस टावर एप्लीकेशन पर वापस जाता हूँ, और उधर जो है अब हम प्रोसेस को स्टेप बाई स्टेप फॉलो करते हैं। तो क्रॉस टावर एप्लीकेशन ओपन कर लिया, एक बार फिर से कर लेता हूँ, कभी रिफ्रेश नहीं हुआ हो। अभी क्लिक किया, और अभी जो है मैं ऐड 2FA वाले ऑप्शन पर अभी क्लिक करता हूँ। ये देखिए जैसे ही आप इधर क्लिक करोगे तो आपको जो है एक बैकअप की इधर देखने को मिलेगा,
ये जो की है ये आपको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, या फिर आपको जो है एक दूसरे मोबाइल से जो है इसका फ़ोटो जो है कैप्चर कर लेना है। तो मैं दूसरा मोबाइल से जो है इसका फ़ोटो एक कैप्चर करके रख लेता हूँ, यदि कभी मुझे इसका ज़रूरत पड़ा तो मैं जो इसको ले सकता हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने की आपको शायद परमिशन ना हो, तो आप जो है इसको नोट कर सकते हो कॉपी पे या फिर डायरी में। तो ये काम करने के बाद आपको सिंपली इधर जो है राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको सिंपली जो है कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इधर जो है आपको इस तरीके का कुछ प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो मैं आपको समझाता हूँ पूरा इसके बारे में। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंस्टॉल गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप ऑन योर मोबाइल फ़ोन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप जो है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो जो है आपने ऑलरेडी अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ होगा दूसरे मोबाइल में। तो मैंने जो है ओपन किया गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को, और ये जो QR कोड आपको इधर दिख रहा है, ये QR कोड आपको अपने दूसरे मोबाइल से ये कोड स्कैन आपको करना है। जैसे ही आप इस कोड को उधर स्कैन करोगे तो आपके दूसरे मोबाइल में जो है एक 6 नंबर का जो है एक कोड आएगा, 6 डिजिट का आपके सामने कोड आएगा। वो 6 डिजिट का जो कोड है वो आपको वेरिफिकेशन कोड वाला जो एक कॉलम है इधर आपको डालना है। इधर जैसे ही आप उसको डालोगे, मैं डाल देता हूँ 088618, तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि प्लीज़ एंटर द 6 डिजिट नंबर फ्रॉम योर गूगल ऑथेंटिकेटर एंड गेट वेरीफाइड। तो हम जो है वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि वी हैव सेंड यू ए कन्फर्मेशन ईमेल, प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स टू कंप्लीट सेटअप। तो डन कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो कन्फर्मेशन है वो पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि आपको पहले बताया था कि आपको जो एक बार ईमेल पे जाना पड़ेगा, उधर आपको शायद कुछ प्रोसेस रहेगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने जीमेल पे और देखते हैं क्या कुछ मेल आया है। तो ये देखिए दोस्तों हम आ गए अपने जीमेल इनबॉक्स में, और यहाँ पर जो है आपको प्रमोशन में जो है वो आपको मेल देखने को मिलेगा। तो प्रमोशन पे हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हो नीचे रिमेनिंग प्रमोशंस, यहाँ पर आपको क्रॉस टावर सपोर्ट टीम की तरफ से एक मेल आएगा इस तरीके का। और यहाँ से जो है आपको ये जो लिंक रहेगा, इस लिंक पर क्लिक करके जो है आपको 2FA का जो वेरिफिकेशन जो पेंडिंग दिखा रहा था उधर, वो आपको इधर कंप्लीट करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको जो है गूगल क्रोम में जो है इसको ओपन करना है। तो ये देखिए हमने क्लिक कर दिया है, और अभी आप देखोगे तो मेरा जो 2FA है वो कन्फर्म्ड हो चुका है, योर अकाउंट इज़ सिक्योर्ड विद 2FA। तो कट कर देते हैं इसको, अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको इधर से बैक कर देना है और आपको जो है एप्लीकेशन ओपन करना है। तो चलिए हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। और अभी जो है इधर चेक करते हैं कि हमारा जो 2FA है वो इधर पेंडिंग दिखा रहा है या फिर कंप्लीट दिखा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो इस टाइम पे वेरिफिकेशन है वो एक्टिव हो गया है, जो मेरा कन्फर्मेशन पेंडिंग दिखा रहा था वो इस टाइम पे एक्टिव दिखा रहा है। तो अभी जो है आपके अकाउंट में जो है 2FA जो है ऐड हो चुका है, अभी आपको वापस जाना है, और अभी आपको फिर से वापस जाना है, अभी आपको विड्रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इधर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इधर एक काम और करना पड़ेगा, आपको सेटल नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा, और आपको फिर से जो है सेटल नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा। और आपको क्या है, इनका जो पैसा आपने लिया था 5000 रुपये का जो क्रेडिट आपने फ्री में लिया था, वो आपको अभी इस टाइम पे वापस करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप जो प्रॉफिट है अपना वो ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो मैं जो है इनका 5000 सेटल कर देता हूँ, इनका वापस कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने जो है इनका क्रेडिट जो है वापस कर दिया है, और अभी जो है मैं फिर से विड्रो पे क्लिक करता हूँ। अभी जैसे ही मैं विड्रो पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो मेरे सामने जो है दो ऑप्शन आ चुके हैं, विड्रो INR और विड्रो क्रिप्टो। तो मुझको जो है सिंपली विड्रो INR पे क्लिक करना है, और इधर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है अमाउंट डालने का ऑप्शन आएगा, और कम से कम दोस्तों आपके पास 100 रुपीज़ होने चाहिए विड्रोल के लिए। यदि 100 से कम रहेगा तो आपका विड्रोल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मिनिमम विड्रो शुड बी 100। तो यहाँ पर जो है हम 250 रुपये डालते हैं, और 250 रुपये जैसे ही आप डालोगे तो दोस्तों आपके सामने जो है ये बोलेगा कि आपको जो है 240 रिसीव होगा, 10 रुपये का जो है इसका विड्रॉल फी रहेगा, या आप कितना भी बढ़ाओगे तो इनका 10 ही रुपये रहेगा, ऐसा नहीं है कि आगे जाके बढ़ेगा।
तो ये आप मत सोचिएगा। तो मैं 250 रुपये डालता हूँ इधर। उसके बाद यहाँ पर आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड जो है आपको डालना पड़ेगा। तो देखते हैं कि हमको कोई कोड आया है क्या। तो हमको कोई कोड नहीं आया है। तो जो दोस्तों हमारा दूसरा डिवाइस था उसमें जो कोड था वो हमको इधर डालना है शायद, वो हम डालते हैं इधर। ये चेंज हो गया है अभी। वो आपको दोस्तों दूसरा मोबाइल लगेगा यानी कि। तो ये दोस्तों आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। या तो दोस्तों आप एक काम कीजिएगा कि जो उधर आपको स्कैन क्यूआर कोड जो करना है, जो क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है उसको आप एक काम करो कि आप दूसरे मोबाइल में उसका फ़ोटो लो और फिर अपने मोबाइल से ही जो है आप उसको स्कैन कर लो। तो आपका जो है फिर ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा मोबाइल लगेगा ही लगेगा, फिर आप एक ही मोबाइल से जो है काम कर पाओगे। तो मैं जो है दोस्तों इधर डाल देता हूँ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड 107364। तो ये जो है बार बार चेंज हो रहा है, समझ रहे हो। इसका एक टाइमिंग चलता है उधर, मेरे दूसरे मोबाइल में चल रहा है तो आपको पता लग जाएगा। ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है। और अभी जो है मैं सिंपली विड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो योर विड्रॉल इज डिसेबल्ड बाय एडमिन, प्लीज कॉन्टैक्ट सपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपका जो विड्रॉल है वो डिसेबल किया गया है एडमिन के द्वारा। तो दोस्तों इसके लिए मैं बताता हूँ ये क्यों ऐसा बोल रहा है। तो दोस्तों ये जो आपको जो ये मिला है 5,000 रुपये जो आपको मिला है उससे आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है, तो इसका दोस्तों एक टर्म एंड कंडीशन होता है। इसके लिए हम आपको वेबसाइट पे ले जाते हैं इनकी। अभी तक दोस्तों केवल आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, आपको जाना है हेल्प एंड सपोर्ट पे। और यहाँ पर दोस्तों आपको जाना है इधर प्रोडक्ट में, आपको जाना है सिमुलेशन ट्रेडिंग पे आपको जाना है। तो इधर दोस्तों जैसे ही आप जाओगे तो इधर आपका जो भी डाउट है वो आपको क्लियर हो सकता है, लग रहा है मुझे। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर आपको बताएगा हाउ इट वर्क्स, तो हमको पता है कैसे ये काम करता है। उसके बाद हाउ सिमुलेशन ट्रेडिंग कैन बेनिफिट यू, यहाँ पर ये आप पढ़ सकते हो। और नीचे जो है कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जिनके जवाब नीचे दिए गए हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी इधर वेबसाइट पे तो कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे कि मुझको भी काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी एप्लीकेशन को जो है मैं चेक करता रहता हूँ, तो दोस्तों मेरे हिसाब से एक टाइम पीरियड होता है। जैसे आपको यदि कॉइन T6 याद हो, कॉइन T6 में आपको 100 रुपीज़ मिलता है, और जो 100 रुपीज़ मिलता है आप उसको कुछ टाइम के लिए आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। शायद उधर 1 महीने का टाइम पीरियड है, लेकिन इधर कितना टाइम पीरियड है वो इधर नहीं दिया हुआ है ना। यदि इधर कुछ दिया रहता तो मैं आपको बताता, लेकिन इधर कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको इतना कंफर्म कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपका जो पैसा उधर है वो आपको नहीं मिलेगा, वो मिलेगा, पक्का मिलेगा। लेकिन यदि आप जल्दबाजी करोगे कि मुझको आज ही चाहिए तो वैसा नहीं हो पाएगा। और वैसे भी दोस्तों देखो, फ्री में आपको कोई 5,000 रुपीज़ दे रहा है, तो आपको इतनी जल्दी भी नहीं होनी चाहिए कि आप 100-200 रुपये का प्रॉफिट कमा के उससे विड्रॉ करो। थोड़ा सा यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए 5,000 रुपये किसी कॉइन पे लगा के छोड़ दो और वो जो है 1 साल के बाद दुगना या तिगना हो जाए, तो आपके क्या है उधर 10,000 या 15,000 हो जाएगा, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट विड्रॉ कर पाओगे, समझ रहे हो दोस्तों। अभी क्या है, नया एप्लीकेशन है तो इसलिए ज़्यादा कुछ इसके बारे में इधर नहीं लिखा हुआ है। और यदि आप इनसे कॉन्टेक्ट भी करोगे तो शायद ये कुछ ऐसा ही बताएंगे आपको कि एक टाइम पीरियड वगैरह होता है, आपको उसके बाद ही जो आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन विड्रॉ करने के लिए जो प्रोसेस मैंने आपको बताया 2FA का, ये आपको लगेगा ही लगेगा। और अभी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। तो अभी जैसे हमने इनको इनका जो 5,000 था वो हमने इनको वापस कर दिया, अभी समझो हमको फिर से जो है वो क्लेम करना है, तो क्या हम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो मैं क्लिक करके देखता हूँ क्लेम क्रेडिट पे, क्लेम नाउ पे, और इधर जो है फिर से 5,000 रुपये डालता हूँ और अभी क्लेम करता हूँ। तो ये क्या दोस्तों, मुझे फिर से जो है मतलब इन्होंने क्रेडिट दे दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार यदि आपने यूज कर लिया तो आप दोबारा नहीं कर सकते, आप दोबारा भी कर सकते हो। ये मुझे इनका अच्छा फीचर लगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी नया एप्लीकेशन है, हो सकता है उसके कारण जो है इन्होंने जो है अभी विड्रॉ डिसेबल किया हुआ है।
और जैसे जैसे इसका क्रेज़ बढ़ेगा, इस एप्लीकेशन का नाम बढ़ेगा, तो आगे जाके जो है पक्का ये विड्रो जो है इनेबल कर देंगे। आप उस बात से बिल्कुल भी मत घबराइएगा। आप केवल इतना काम कीजिएगा, आप 5,000 रुपये जो है किसी अच्छे कोइन पे आप लगा के छोड़ दीजिएगा, और कम से भी कम आप 2-3 महीने के बाद चेक कीजिएगा, तब आप विड्रो कीजिएगा, तो आपका जो विड्रो है वो पक्का हो जाएगा। तो यदि दोस्तों आपको कोई अच्छा कोइन हमसे पूछना है, तो आप जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पर जो है बहुत से इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं और वो जो है आपस में कन्वर्सेशन करते रहते हैं। तो वहाँ पर जो है आप उनसे पूछ सकते हो कि कौन से कोइन में जो है मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही बताना था। बहुत से लोगों का क्वेरी आ रहा था कि सर विड्रो नहीं हो रहा है, ये वाला मैसेज करके आता है कि आपका जो विड्रो है वो डिसेबल किया गया है एडमिन के द्वारा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ऐसा क्यों है, नया एप्लीकेशन है इसलिए ऐसा है, बाकी एप्लीकेशन जेन्युइन है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इसको भी, जैसे जैसे इस पर ट्रैफिक बढ़ेगा, लोग इसको यूज करेंगे, तो फिर क्या है ये सभी जो फीचर्स है वो अपने एक्टिव कर देगा। तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे, तो सबसे पहले आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ये जो वीडियो है वो अपने दोस्तों को शेयर करना है जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, और उसके बाद दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल का जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है वो आपको ऑन कर लेना है। यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। अगली वीडियो में दोस्तों जल्द ही मुलाकात करने वाले हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।